जैसे कोई चिड़िया अपना दाना चुगती है, पर जब उसे पूरी रोटी मिलती है तो वो पूरी रोटी नहीं खाती, वह उस रोटी में से रोटी चुग रही होती है। बहुत बड़े आकाश में हम अपने हिस्से का आकाश चुन लेते हैं। देखने के लिए हम बहुत खूबसूरत और बड़ा आकाश देख सकते हैं, पर जीने के लिए हम उतना ही आकाश जी पाएंगे जितने आकाश को हमने अपने घर की खिड़की से जीना सीखा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो इन पंक्तियों में बहुत ही गहरी बात छुपी हुई है, फिर से सुन लीजिएगा और विचार करिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को क्या समझ आया इसमें। तो बस यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में और ये बर्तन में लगा देती हूँ यहाँ पर सभी। इसके बाद बनाऊँगी चाय, तो अदरक वाली चाय बनती है सुबह सुबह, आप लोगों को मालूम ही है। जैसा कि चाय, और वैसे मैं एकदम उठते ही ना एक गिलास पानी पीती हूँ, वो मैं शूट नहीं करती हूँ, उसके बाद ही ब्रश वगैरह मैं करती हूँ। तो गर्म पानी सर्दियों में पीती हूँ, नहीं तो फिर नॉर्मल वाटर ही पीती हूँ। और बस यहाँ चाय हो गई थी, तो इसके बाद फिर वही मेरा योगा करूँगी यहाँ बैठकर। तो मैं आपको जैसा कि बताया, मैंने प्राणायाम करती हूँ जिसमें अनुलोम विलोम करती हूँ ज़्यादातर, और इस तरह के ये कंधे की करती हूँ। और ये एक होती है ना, ये बड़ी अच्छी रहती है स्ट्रेच करने की, पीछे से होल्ड कर लेते हैं हाथों से, तो इस तरह की मैं बहुत आराम से कर लेती हूँ। एक्चुअली होता क्या है, जैसे आप लोग कहते हैं प्रॉपर वीडियो इसका डालिए योग का, पर मैं ना अभी कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं हूँ इतनी, पर मैं आगे कभी देखूँगी, ट्राई करूँगी बनाने का। अगर सही से बन गया तो फिर मैं पोस्ट करूंगी आप लोगों को। तो यहाँ पर ये थोड़ी देर में बैठती हूँ अपना मेडिटेशन में, और इसके बाद ये वही अपने चिड़ियों और गिलहरियों के लिए दाना पानी डाल दिया है। फिर मेरा बनता है अंडे का जूस यहाँ पर फ्रेश, तो वो बना रही हूँ इसमें मिक्सर जार में डालकर, इसको कट करके और पीस लेती हूँ पानी डालकर। तो बस इसको मैं पीऊँगी, तो बस यहाँ पर मैं पी रही हूँ। और अब तो ना टेस्ट भी कुछ भी पता नहीं चलता, मुझे आदत हो गई है बिल्कुल। शुरू शुरू में तो जब पीती थी ना तो इतना गंदा सा मुँह बनता था। तो बस यहाँ घूमते फिरते मैं अपना आंवले का जूस भी फिनिश कर रही हूँ, और साथ ही यहाँ प्लांट्स में पानी डाल दिया है, और चिड़ियों गिलहरियों को भी पानी, इसके बर्तन धोकर साफ़ कर कर पानी भर दिया था मैंने। और फिर आ गई हूँ किचन में, तो ये है ब्रेकफास्ट का टाइम। तो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वैसे तो मैंने इसका पराठा कई बार शेयर किया है, मूली और बीटरूट गाजर का मिक्स करके बनाती हूँ, तो इसकी रेसिपी एक बार मैं फिर से शेयर कर देती हूँ यहाँ पर। तो एक मूली पूरी घिस ली थी और इसमें गाजर भी घिस लिया है, ये अदरक है, तो अदरक इसमें ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छी लगती है। और साथ ही ये जो कल सैलेड काटी थी ना बीटरूट की, उसके जो स्लाइसिस बचे थे क्योंकि उतना पूरा नहीं खाया गया था, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, और उसको घिस नहीं सकते थे क्योंकि स्लाइस थे, तो मैंने यहाँ पर ना उसको ग्राइंड कर लिया है दरदरा सा। तो और साथ में मैंने धनिया भी काट दिया था, हरा धनिया, और ये देखिए मैंने डाल दिया यहाँ बीटरूट जो इसको पीसा था, और साथ ही मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा डाला है। तो आटा बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, तभी टेस्ट आता है। अजवाइन और नमक साथ में डाल दिया है, और अभी इसमें पानी नहीं डालेंगे, पहले इसको गूंध लेंगे बिना पानी के, और अगर ज़रूरत होती है ऊपर से तो फिर थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे। मुझे लग रहा था कि आटा कम था, ज़्यादा ही कम हो गया था, तो थोड़ा सा इसमें मैंने और डाला है, और बस इसको गूंद लिया है। देखिए तो 5 से 10 मिनट रख सकते हैं इस आटे को, और ये मैंने धो दिए थे तो बिछा दिए हैं इसके ऊपर, कवर कर दिया है माइक्रोवेव को। और तो बस अभी यहाँ पर हो गए थे 10 मिनट रखे हुए आटे को, अब मैं इसका पराठा बना लेती हूँ।
तो बस जैसे पराठा बनता है वही है तरीका। तो इसको बेल लेते हैं और थोड़ा सा इसको ना थिक रखते हैं, बहुत ज़्यादा पतला वैसे भी ये बेला नहीं जाएगा क्योंकि इसमें आटा कम होता है। तो ये देखिए इस तरह का ना बहुत टेस्टी बनता है, मीठा मीठा सा होता है वैसे, लेकिन एक टेस्ट ना मूली का भी अच्छा आता है और मिर्ची जो डालते हैं उसका तीखापन होता है। तो मिक्स होके ना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट, और हेल्दी तो हो ही गया फिर ये। और आराम से आप दो पराठे इसमें खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में क्योंकि इसमें आटा बहुत कम होता है। बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता, और देखिए पराठा और मेरे कुर्ते का कलर एकदम मैच कर रहा है बिल्कुल। तो यहाँ मेरा नाश्ता हो गया था, और देखिए ना आज इतना काम है। अभी मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो सुमकी है ना, आप लोग जानते हैं जो मेरी हेल्पर है, हेल्प करती है घर में, तो वो छुट्टी कर गई आज फिर से, बहुत ज़्यादा छुट्टी करती है, जितना मैं उससे कुछ बोलती नहीं हूँ ना। तो उसका फ़ोन आ गया था कि वो नहीं आ रही है, फिर तो मैं बस लग गई हूँ काम में। तो आज का ब्लॉग बस इसी पे ही है कि पूरे दिन मैंने घर के काम किए हैं और मैंने शूट करती गई हूँ, तो वही आपके साथ शेयर किया है, तो देखिएगा ज़रूर। वैसे रेसिपी भी मैंने बहुत अच्छी शेयर करी है, तो पूरा ब्लॉग देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो बस पहले तो यहाँ मैंने बर्तन सारे धोए हैं, जो रात के पड़े हुए थे बर्तन वो हैं, तो सब धोकर मैंने यहाँ लगा दिए थे क्योंकि अभी काम खुद ही करना था, तो मैं सोचा कि बस लग जाती हूँ। तो बर्तन सारे यहाँ धुलकर मैंने रख दिए थे, अभी जब ये सूख जाएंगे थोड़े से तब मैं लगा दूँगी। और इसके बाद यहाँ पर ये जो योग किया था तो मैंने सब उठा ली है, मैट जो पड़ी हुई थी, और बस यहाँ पर सारा ये कवर वगैरह ठीक किया है क्योंकि झाड़ू पोछा भी मुझे ही करना है आज, तो ये सब लगा दिया था मैंने। सोफ़े के कवर पहले लगाए हैं क्योंकि बैठते हैं सारे दिन तो ये थोड़े से ना इधर उधर हो जाते हैं। मेरी जो सुमकी है ना वो 10 दिन में, हफ्ते में एक बार दो बार तो ऐसे कर ही देती है कि मेरी पूरी एक्सरसाइज करवा देती है अच्छे से। वैसे मुझे ना लगता है कि वैसे ठीक भी है, छुट्टी कर देती है तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है घर की, बर्तन भी मैं उस दिन बहुत ही अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो सारा यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाई, और एक ये ना जो स्नेक प्लांट है उसकी एक पत्ती निकल गई थी नीचे से, तो वो मैंने निकाल कर उसको फेंक दिया था। तो बस यहाँ पूरे घर में झाड़ू लग गई थी, और फिर है ये पोंछा, तो पोंछा मैं इस तरह का लगाती हूँ जो स्टिक वाला होता है। और ये पोंछा ना मैं थोड़ा गीला गीला सा ही लगाती हूँ, इन जो ये जो फ्लोर है ना इसमें गीला ही पोंछा सही रहता है, सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है ये, वैसा टाइल्स वाला नहीं है कि एकदम सूखा निचोड़ कर लगाया जाए। तो यहाँ पर वैसे ही पोंछा लगाती हूँ, और बस यहाँ पर लग गया था पोंछा। इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ कपड़े फैलाने के लिए, तो कुछ कपड़े मैंने मशीन में डाले थे वही यहाँ पर बाहर धूप में फैला रही हूँ। और बस फिर ये फटाफट से मैंने कर दिया है यहाँ डस्टिंग पूरे रूम की, तो सब हो गया था काम यहाँ पर, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह बर्तन भी हो गए थे। तो अब बनेगा लंच, लंच की तैयारी में मैं क्या बनाने वाली हूँ बताती हूँ, और इतने में कोई आया है देखती हूँ कौन है। तो ये ना आयरन वाला था, तो कपड़े ले जाता है, और वैसे तो कपड़े बहुत होते नहीं हैं, कई बार तो मैं घर में कर लेती हूँ, तो वही मैंने उससे बोला था कि 3-4 दिन के बाद ले जाना। और यहाँ पर मैं पालक को साफ़ कर रही हूँ, जो पालक मैंने कल साफ़ की थी
तो आधे पालक का मैंने क्या बनाया था कल, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, दाल बनाई थी, दाल में डाली थी ना। और ये बची हुई पालक का मैं आज बना सोच रही थी, पहले पालक पनीर बनाऊंगी, लेकिन पनीर ना बहुत ही कम था। फिर मेरा आइडिया चेंज हो गया, फिर मैंने सोचा चलो कढ़ी बनाती हूँ, क्योंकि दही भी रखा हुआ है। तो वही मैंने यहाँ पर पालक अच्छे से धोकर और पानी उसका निकाल दिया था बिल्कुल, और अभी यहाँ मैं चॉप कर रही हूँ इसको। तो आधा आधा मैंने इसको पोर्शन में कर लिया था, और आधा अलग निकाल लिया है, जिसमें कि मैंने प्याज मिलाई है, उसकी बनाऊंगी मैं पकौड़ी। तो ये कढ़ी के लिए बन रही है, इसमें बेसन मिला दिया है, प्याज भी मिला दी है, और मसाले जाएंगे साथ में। तो पूरी रेसिपी देखिएगा, बहुत ही अच्छी बनी थी ये। तो यहाँ जो मसाले हैं, हल्दी है, जीरा है, हींग डाली थी, और नमक है, यही सब चीज़ें, गरम मसाला थोड़ा सा डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। साथ ही मैंने तेल भी चढ़ा दिया था कि तब तक गर्म हो जाएगा, सरसों का तेल थोड़ा सा टाइम लगता है गर्म होने में। और बस अभी इसको जो थोड़ी देर फेंटना होता है, इससे सॉफ्ट बनती है बिल्कुल पकौड़ी। और ये देखिए, अभी मैं तल रही हूँ इसको, डीप फ्राई कर लेना है। तो मीडियम फ्लेम रखी हुई है अभी, थोड़ा सा कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस इसको अच्छा कलर आने तक सेक लेना है। तो कढ़ी किस किस को पसंद है? मुझे तो कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और वैसे मेरे हस्बैंड नहीं खाते थे कढ़ी, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर मैं फिर भी बना लेती थी कभी कभी, लेकिन हाँ कम बनती थी, उतना ज़्यादा नहीं बनती थी, पर बच्चे खा लेते हैं कढ़ी अच्छे से। और यहाँ सेक कर मैंने टिश्यू पेपर में निकालती जा रही हूँ। तो देखिए, क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बनाई है, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पहले बताया है, जो भी मुझे रेगुलर देख रहे हैं स्टार्टिंग से, कि मेरी सिस्टर भी रहती है इसी सोसाइटी में, तो जब भी इस तरह की कोई चीज़ बनाती हूँ तो उसको भी देती हूँ। तो देखिए, इस कढ़ाई में मैंने ऑयल जो था एक्स्ट्रा वो निकाल दिया था, उसी में मैंने थोड़ी सी मेथी हींग डालकर पालक को डाल दिया है। साथ ही ये देखिए, बेसन लेकर इसमें दही डाला है। तो थोड़ा सा दही तो 2-3 दिन का पुराना था, हल्का सा खट्टा था, तो इसमें चाहिए भी होता है, और फ्रेश मैंने मिलाया था। तो इसको घोल लेना है पहले यहाँ, और एक पतला सा घोल बना लेना होता है। तो जिसमें मैंने पकौड़ी बनाई थी ना, उसी में पानी डालकर उसको धोकर थाली को, इसको भी डाल दिया है पानी, और साथ ही मैंने हल्दी भी डाल दी है इसमें। तो मैं बोल रही थी कि सिस्टर रहती है यहाँ पर, तो उसके लिए भी बनाती हूँ, जब भी कोई इस तरह की चीज़ बनती है तो उसको भी देने जाऊँगी। और यहाँ ये पालक जब ये पक जाए, तब इसमें ये डालना है जो घोल बनाया है बेसन और दही का। और अब इसको ना लगातार चलाना है, वैसे तो सभी लोग जानते ही हैं कढ़ी बनाना, पर फिर भी मैं बता रही हूँ कि इसको लगातार चलाना है, अगर आप इसको बीच में छोड़ देंगे तो ये फट जाएगी। और बस ये जब उबलने लगे अच्छे से, तब आप इसको छोड़ सकते हैं। और एक टिप मैं हमेशा देती हूँ जब भी कढ़ी बनाती हूँ, कि आपका जैसे बर्तन खुला हुआ है और इसमें निकलती है ना, उफनती है जब, तो इसमें एक कटोरी आप इस डाल दीजिए इस तरह से स्टील की, तो आपकी ना गिरेगी नहीं, फिर आप चाहे तेज़ भी कर दें फ्लेम, तब भी नहीं गिरेगी। और साथ के साथ मैं यहाँ बर्तन भी धोती जा रही थी, क्योंकि आज वो आने वाली नहीं है, तो फिर मैं इकट्ठे नहीं करूँगी, तो इसीलिए जितने भी निकल रहे थे मैं साथ के साथ ही धोती जा रही थी। और बस कढ़ी बनी है तो चावल तो ज़रूर बनेगा, तो वही मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। ये राइस, बासमती का राइस बहुत अच्छा होता है, तो इसको भिगो दिया था। और इसके साथ में बना रही हूँ एक सब्ज़ी भी, तो सब्ज़ी देखिए फटाफट वाली बना रही हूँ, जो काली मिर्ची वाला पनीर होता है ना, वो है बहुत ही सिंपल, और कोई मसाला इसमें नहीं जाता है। तो तेल लिया, उसमें प्याज डाली है, जीरा डालकर, और ये पनीर कट कर लिया था, और साथ ही जब हल्की सी भुन गई है प्याज, तब इसमें टमाटर डाल दिया है, नमक डाल दिया है, और इसको भी पका लिया है। फिर इसमें मैंने काली मिर्च डाली है, थोड़ी क्वांटिटी इसमें ज़्यादा जाती है, और कोई भी मसाला नहीं जाता, धनिया, हल्दी, गरम मसाला कुछ भी नहीं। हाँ, वैसे गरम मसाला थोड़ा सा आप डाल सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर एक शिमला मिर्ची कट करके डाली है, तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है शिमला मिर्ची को, हल्का सा क्रंच क्रंच इसमें रहना चाहिए, तभी अच्छी लगती है। और हाई फ्लेम पर ही इसको मैंने पकाकर पनीर डाल दिया है लास्ट में, नमक डाल दिया था साथ ही, और बस अब थोड़ी देर चलाकर इसको ये तैयार है बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी लगती है,
मुझे इसका ना यूज़ करना ही था पनीर का थोड़ा सा, तो इसके साथ ही ये हो जाएगी सब्ज़ी। और बस यहाँ पर कढ़ी भी अब तैयार है, अच्छे से उबल गई थी। इसको 20 से 25 मिनट उबलना चाहिए कढ़ी को, तभी अच्छी बनती है। साथ ही मैंने चावल चढ़ा दिया था, और बस जब तक उधर कढ़ी बन रही थी, पक रही थी, मैं तब तक नहा कर आ गई थी। और लो फ्लेम कर जाती हूँ बिल्कुल। तो जब मैं आई हूँ किचन में, तो यहाँ चावल भी बनकर तैयार था, ऑलमोस्ट बन ही गया है। उसमें थोड़ा सा ढक दिया था उसको, और अब ये जो पक गया था ना करी जो इसकी थी कढ़ी की, अब इसमें मैं पकौड़ी ऐड कर दूँगी। तो बस अब ये पकौड़ी डालने के बाद इसको 5 मिनट और पकाना है, बहुत ज़्यादा फिर नहीं पकाना है। और साथ ही मैंने यहाँ लहसुन काटा है, तो कढ़ी में लहसुन का जो तड़का होता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो 4-5 कली मैंने यहाँ ले ली थी लहसुन, साथ ही आटा निकाला है गूंदने के लिए। तब तक ये आ गया है। ओके लो, ये लो। तो वो अपने टाइम पर आ जाता है, मेरा टाइम इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है। तो उसको भी मैंने ब्रेड दे दी थी, और बस अभी यहाँ तड़का लगा रही हूँ। तो ये जीरा, मेथी और राई है, तो वो डाला है, हींग डाली है, और ये साथ में मैंने लहसुन डाला है कटा हुआ। तो अगर आपके पास करी पत्ता है तो वो ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है कढ़ी में। अभी मेरा ना गमले में है ही नहीं, अब लगाऊंगी मैं सोच रही हूँ। और साथ ही मैंने यहाँ देखिए साबुत लाल मिर्ची डाली है, और थोड़ा कलर के लिए कश्मीरी जो रेड चिली पाउडर होता है वो डाला है। और बस यहाँ तड़का लगा दिया है, तो बस तैयार है बिल्कुल। और सैलेड में कुछ वैसा नहीं आज बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा उस तरह से सोच कर चीज़ बनाती हूँ। जैसे सुबह खा लिया है ना, उसमें मूली भी थी और खीरा भी, वो सॉरी खीरा नहीं, गाजर था, बीटरूट था, तो सब कुछ था उसमें। तो वो पराठा खा ही लिया था, इसलिए मैंने नहीं काटा है। और ये लच्छे में मैंने प्याज कट की है, तो ये देखिए महीन बिल्कुल लच्छा, इस तरह का कट करने से ना और इसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है। उस तरह से आप मोटा मोटा काटिए तो उसका अलग होता है, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें नींबू का रस, काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची, नमक, धनिया, ये सब डालकर ना बहुत ही अच्छा लगता है प्याज ये इस तरह से। तो बस यहाँ पूरा खाना बनकर तैयार है, और ये कढ़ाई भी मैं धोकर रख दूँगी, और इसको भी निकाल लेती हूँ कढ़ी को। तो सारा खाना मैंने यहाँ निकाल लिया था, इसके बाद रोटी सेकनी है, रह गई है खाली, तो रोटी यहाँ बना लेती हूँ मैं, फिर अपना लंच करेंगे। पनीर लेकिन कम था, शिवरात्रि क्या चीज। हाँ हाँ ले लीजिए, फोटो ले ली, सब ले लिया। और रोटी भी सीख कर तैयार है, तो प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो बस अभी यहाँ मैं अपना लंच करूँगी। तो अगर आप लोगों को व्लॉग या वीडियो जो भी अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा। वैसे आप लोग कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, मैं पढ़ती हूँ, सच में बहुत ही अच्छा लगता है कि इतना अच्छे करते हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है मुझे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप लोग ना बहुत ही अच्छे लोग सभी मेरे चैनल से जो जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सबका जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है और देखते हैं मेरे वीडियो को, तो उनका बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया। अच्छे कमेंट्स होते हैं ना, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है काम करने का, तो मैं बस इसी तरह करती रहूं आगे भी। हेलो फ्रेंड्स, तो अब मेरे सारे काम हो गए हैं इस टाइम, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, आज बहुत सारा काम हो गया था, सुमकी भी नहीं आई मेरी जो हाउस हेल्पर है। और हाँ, आप लोगों में से कई लोग पूछ रहे हैं बर्तन के बारे में, कुकर कढ़ाई कहाँ से लिया है, तो मैं स्टील का सारा अभी यूज़ करने लगी हूँ।
लगभग ना पिछले 2 साल से मैंने सब कुछ चेंज कर दिया था, जो भी एल्यूमिनियम के बर्तन थे सब हटा दिए थे, नॉन स्टिक भी सारे हटा दिए थे। नॉन स्टिक में एक दो बस रखा है, कभी कभी ज़रूरत हो जाती है, तो एल्यूमिनियम के तो सारे हटा दिए थे टोटली। एक इडली वाला है स्टैंड, वो रखा हुआ है। कढ़ाई थी, पहले तो बहुत सारे बर्तन थे तो पहले चलते ही थे, कुकर भी था, तो अभी मैंने सारे डिस्कार्ड कर दिए हैं और उसकी जगह मैं स्टील के ले आई हूँ। तो मैं आप लोगों को ना शेयर करूँगी एक पूरा वीडियो बना के, अपने जितने भी बर्तन मैं रखती हूँ इस्तेमाल करती हूँ, तो उसमें आपको मैं बताती हूँ। कई लोगों ने कुकर के बारे में पूछा है कितने लीटर का है, कढ़ाई के बारे में भी पूछा है, तो मैं पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाती हूँ। तो देखिए कब आता है, 1-2 दिन मैं जल्दी ही बनाऊँगी, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो बस अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सारे काम मेरे हो गए हैं यहाँ पर, और मेरी आज सुमकी नहीं आई थी हाउस हेल्पर, जो झाड़ू पोछा बर्तन सारे सारा काम हो गया था बहुत ज़्यादा, और अब मैं थक गई हूँ तो अब मैं आराम करूँगी। तो अभी मैं खा रही हूँ फिर से, ये है स्प्राउट्स जो बनाए थे ना, मूंग की दाल के स्प्राउट्स। तो अभी ना शाम के 6:30 बज रहे हैं, और आज ना मैं सो गई थी, बहुत ज़्यादा थकी थी, तो कोई भी अभी आज वॉक वगैरह कुछ नहीं होने वाली है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का। चलिए मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।